यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पश्चिमी देशों की मीडिया में एक तानाशाह के तौर पर दिखाया जा रहा है। उन पर बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कराने के लिए मुकदमा भी चलाया गया। इस कठोर छवि से अलग एक नया ही चेहरा रूसी राष्ट्रपति का देखने को मिला है। रूस के सरकारी दफ्तर क्रेमलिन की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 8 साल की बच्ची के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया गया। दरअसल बच्चे भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप साथ हो तो बच्चों को ना कोई चिंता होती है ना किसी बात का डर होता है। ये भी कहा जाता है कि बाल हट से जीतना मुश्किल होता है। बच्चे अपनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातों से किसी से भी कुछ भी मनवा लेते हैं। ये बात एक बार फिर से सच साबित की है। एक 8 साल की बच्ची ने, जिसने रूस के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इस बच्ची का नाम है रायसज अकीपोवा। कुछ दिनों पहले पुतिन ने जब उसके गृह क्षेत्र दागिस्तान का दौरा किया था तो भीड़ की वजह से बच्ची उनसे मिल नहीं पाई थी। पुतिन से ना मिल पाने की वजह से रायसज की रोती हुई तस्वीर सुर्खियों में रही थी। लेकिन इसका पता जैसे ही पुतिन को चला, उन्होंने बच्ची और उसके घर वालों को मॉस्को बुलाया। प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने बच्ची का फूलों के साथ स्वागत किया। इस दौरान रायसज ने पुतिन से अपने गृह क्षेत्र के लिए बजट अनुदान मांगने के लिए वित्त मंत्री से फोन पर बात करने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया। वीडियो में पुतिन काफी दयालु और उस बच्ची के लिए चिंतित दिख रहे हैं। एक कठोर शासक के रूप में प्रख्यात पुतिन का यह रूप शायद ही किसी ने देखा होगा। बच्ची रायसज की समस्या को सुलझाने से पहले पुतिन ने उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से बात की। इस दौरान फोन स्पीकर पर था और बच्ची भी सारी बातें सुन रही थी। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने का मौका इस नन्ही सी परी को मिला। बच्ची से मुलाकात के बाद उसकी समस्या को सुनते हुए समाधान निकालने के लिए पुतिन ने तुरंत ही वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव को फोन लगा दिया था। अचानक राष्ट्रपति का फोन आने से वित्त मंत्री भी हैरान रह गए, जिसके कारण वो लड़की के अभिवादन का जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाद में वित्त मंत्री नन्ही बच्ची के गृह क्षेत्र के लिए बजट के अनुदान की मांग पर राजी हो जाते हैं। वित्त मंत्री से बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने बच्ची को ये बताया कि दागिस्तान क्षेत्र के लिए 5 अरब रूबल यानी $55.6 मिलियन का फंड जारी किया जा रहा है। अमूमन पुतिन के वीडियो देश के अलग अलग सुरक्षा प्रतिष्ठानों के दौरे से आते हैं, लेकिन इस वीडियो में वो एक मासूम सी बच्ची से दुलार करते नजर आ रहे हैं। पुतिन इस नन्ही सी बच्ची से उसके गार्जियन की तरह मिलते हैं, उसे प्यार से गोद में उठाते हैं, फिर उसे अपनी कुर्सी पर बैठाते हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जो पुतिन के एक कठोर शासक के इतर एक नया ही रूप दिखा रही हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।